जब से बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे का नाम ड्रग केस में आ रहा है, तभी से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोणे बहुत ट्रेंड कर रही हैं, दीपिका पादुकोणे ड्रग्स केस को लेके। लेकिन अभी तक दीपिका ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि ये खबर आ रही थी कि दीपिका अपना स्टेटमेंट जल्दी देने वाली हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, दीपिका के खिलाफ उतरी हैं रवीना टंडन। रवीना टंडन ने बेहद ही गुस्से में ट्वीट किया है। रवीना टंडन कहती हैं, ट्वीट करके रवीना टंडन ने कहती हैं, टुवर्ड्स हाई टाइम फॉर क्लीन अप टू हैपन, वेरी वेलकम, वी हेल्प अवर यंग फ्यूचर जनरेशन, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, श्योरली प्रोसीड टू ऑल सेक्टर्स, अपट्रूट इट फ्रॉम इट्स कोर, पनिश द गिल्टी यूजर्स, द डीलर्स, सप्लायर्स, द प्रॉफिटिंग बिग गाइज ऑन द टेक हु गिव इट अ ब्लाइंड आई एंड रेन पीपल। तो रवीना टंडन इस ट्वीट में ये कहना चाह रही है कि जो भी स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उन अब वक्त आ गया है कि उनको सजा मिले और इन सब चीजों का सफाया हो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को, यंग जनरेशन को, उनको इस चीज से मदद मिलेगी, क्योंकि वो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं, आइडल मानते हैं। जी हाँ, वहीं आगे जो है, और जब ऐसी युवा पीढ़ी इंडस्ट्री को गंदा करेगी, तो इसलिए अब इन सब चीजों का सफाया होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो रवीना टंडन कुल मिला के यही कहना चाहती है कि इन स्टार्स को सजा दो, इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है बॉलीवुड में, जो भी है, आगे गंदगी ना फैले और आगे ये चीजें ना हो। बाकी और किसी स्टार्स का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब देखना यह है अभी कौन कौन इस पर रिएक्ट करता है। लेकिन दीपिका भी अभी शांत है, दीपिका ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहेंगे।